आगे बढ़ेंगे। धार भोजशाला में एसआई का आज 57वां दिन है। एसआई के 17 अधिकारी 33 मजदूर सर्वे में मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में यह सर्वे किया जा रहा है। हर रोज हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग भी इस सर्वे के बीच मौजूद रहते हैं। इसके अलावा 56वां दिन है और 3 फीट की प्राचीन तलवार मिली है। हालांकि प्राचीन तलवार को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर लिया है। भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। धार भोजशाला में आज पढ़ी जाएगी नमाज भी, दोपहर 12 बजे तक ही होगा चूंकि सर्वे, इसलिए सुबह से ही यहां पर एएसआई की टीम पहुंच चुकी है सर्वे के लिए। हालांकि जिस तरह से लगातार काम जारी है, ऐसे में कई संरचनाएं, कई कलाकृतियां और यहां पर तलवार भी मिली है, जिसको लेकर अब गहनता से जांच की जा रही है और साथ ही प्राचीन तलवार को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेणु, क्या कुछ खास आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 12 बजे तक ही सर्वे किया जाएगा, इससे पहले तलवार यहां से मिली है। जी, आपको बता दूं कि आज 57वां दिन है भोजशाला परिसर में एएसआई को सर्वे करते हुए, और लगातार एएसआई निर्बाध गति से सर्वे कर रही है। कल जो है हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार के द्वारा दावा किया गया था कि यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम के कोने से जो है जब मिट्टी हटाई जा रही थी उस दौरान यहाँ पर लगभग 5 से 7 फीट नीचे जो है एक तलवार निकली है, जिसको एएसआई ने संरक्षित कर लिया है। वही आपको बता दें कि परसों भी दावा किया गया था कि एक पिलर जो है भोजशाला में लगा हुआ है, उसको क्लीनिंग करने के बाद उसके चारों तरफ जो हिंदू देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। वही उसके पूर्व जो है दावा किया गया था कि जो अवशेष, खंडित अवशेष पिलर्स के निकल रहे हैं दीवार के समीप से, वहां पर जो है उस उन पिलर्स के जो टुकड़े हैं उनको, अवशेषों को सुरक्षित कर लिया गया। इस तरह से लगातार जो है भोजशाला परिसर के अंदर से जो ट्रेंच खोदी जा रही है वह लगातार अवशेष निकल रहे हैं। और आज चूंकि शुक्रवार है, शुक्रवार होने से 1 बजे से 3 बजे तक यह नमाज अदा की जाती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के द्वारा मंगलवार को जो हिंदू पूजा, हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है, शुक्रवार को मुस्लिमों को यहाँ पर नमाज करने की अनुमति है, उसी के तहत यहाँ पर आज नमाज अदा की जाएगी। इसीलिए आज जो टीमें लगभग 5:45 बजे यहाँ पहुंच चुकी थी, मजदूर भी पहुंच चुके थे, अंदर सर्वे के लिए पहुंच चुकी है। अभी जो है भोजशाला परिसर के अंदर जो है सर्वे चलेगा, एक के बाद एक जो जांच आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कई सबूतों के तौर पर संरचनाएं, कलाकृतियां और कई अवशेष बरामद हुए हैं। हालांकि जब पूरा सर्वे हो जाएगा तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो भी सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।